क्या चंदा यादव से खुश नहीं है खेसारी लाल यादव? जी हाँ, खेसारी लाल यादव और बिग बॉस में जितने दिन बिताए हैं, अगर उन सब चीज़ों को देखें तो ऐसा लगता है कि खेसारी लाल यादव अपनी शादी से खुश नहीं है। पहली बात तो जब उन्होंने अक्षरा और अपनी लव लाइफ शेयर की थी तो तभी भी उन्होंने ये कहा था कि अपनी पत्नी और बच्चों की वजह से, फैमिली की वजह से उन्होंने स्टेप बैक ले लिया। और अब जब खेसारी लाल यादव का मेकओवर हुआ और हिमांशी ने उन्हें थोड़ा फ्लर्ट किया, तब ऐसा लगा कि खेसारी लाल यादव अपनी पत्नी से बहुत डरते हैं। वो डरते इसलिए हैं कि खेसारी लाल यादव को लगा कि अगर हिमांशी कुछ इस तरह की हरकत करेगी, उनके साथ फ्लर्टिंग करेगी, तो ये सब कुछ कैमरे पे दिखेगा और उनकी पत्नी तिल का ताड़ बना देगी। हो सकता है कि अपने पत्नी के तिल के ताड़ बना देने वाले बिहेवियर को लेकर खेसारी लाल यादव कुछ ज़्यादा ही इनसिक्योर रहते हों और इस वजह से वो भोजपुरी की किसी भी हीरोइन के साथ किसी भी लफड़े में नहीं, यानी कि लव लफड़े में बिल्कुल नहीं पड़ना चाहते हैं। वैसे आपने ये गौर किया होगा कि खेसारी लाल यादव के घर में जितनी भी पार्टियां होती हैं, कभी भी चंदा यादव भोजपुरी की किसी भी एक्ट्रेस के साथ घुलती मिलती देखी नहीं गई। भोजपुरी इंडस्ट्री की जितनी भी बड़ी एक्ट्रेस हैं, चाहे वो अक्षरा सिंह हो, काजल राघवानी हो, ये सब कभी भी खेसारी लाल यादव के घर पर नहीं देखी गई। हाँ, कुछ ऐसी एक्ट्रेसेस हैं जैसे आम्रपाली दुबे, अगर निरहुआ के साथ जाती हैं उनके घर बर्थडे सेलिब्रेट करने उनके बच्चों का, तभी वो वहाँ दिखाई देती हैं, अकेली कोई भी नहीं जाता है उनके घर। इससे ये साफ पता चलता है कि उनकी पत्नी को ये सब कुछ जरा भी पसंद नहीं है कि उनके पति भोजपुरी की किसी भी हीरोइन के साथ अपनी नज़दीकियाँ बढ़ाएं। वैसे अक्षरा सिंह के चक्कर में हो सकता है चंदा यादव ने अपना अच्छा खासा हाथ जलाया हो, इस वजह से वो पहले से ही चौकन्नी रहना अपने आप को बेहतर समझती हैं। और चंदा यादव की इसी आदत को लेकर शायद खेसारी लाल यादव कुछ ज़्यादा ही परेशान नज़र आते हैं, क्योंकि इस तरह से वो बेबसी दिखाते हैं पर्दे पर, जिसे देखकर ये लगता है कि चंदा यादव को ये सब बिल्कुल भी पसंद नहीं है। इससे ये लगता है कि चंदा यादव को खेसारी लाल यादव का ये फ्री बिहेवियर हीरोइनों के साथ ज़रा भी अच्छा नहीं लगता। भोजपुरी जगत की हॉट और मसालेदार गॉसिप के लिए हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।